देश भर में G20 शिखर सम्मेलन की खास तैयारियां चल रही है। शिखर सम्मेलन को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के चलते केंद्र से विशेष विकास कार्य करने के लिए 927 करोड़ रुपए का अनुदान देने की मांग की है। जी हां, 927 करोड़ रुपए की। सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सरकार के लिए G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के वास्ते अपने सीमित संसाधनों में से अतिरिक्त 927 करोड़ रुपए खर्च करना आसान नहीं होगा। सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में दिल्ली को कुछ भी भुगतान नहीं किया जा रहा है और शहर सरकार को कोई अतिरिक्त अनुदान भी नहीं दिया गया है। सिसोदिया के अनुसार राज्यों में नगर निकायों को उनकी आबादी के हिसाब से दी जा रही धनराशि भी दिल्ली नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यहां आने वाले विदेशी मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो। तो इन सब का घोटालों से क्या संबंध? देखिए, G20 एक विश्व प्रसिद्ध समूह है जिसके सम्मेलनों का कार्यभार इस वर्ष के अध्यक्ष होने के नाते भारत को सौंपा गया है। अब चूंकि शिखर सम्मेलन देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है तो स्पष्ट है कि ऐसे भव्य अवसर के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को एक होना चाहिए, परंतु यहां स्थिति ठीक विपरीत है। असल में केंद्र सरकार के कंधों पर केजरीवाल सरकार समस्त जिम्मेदारी थोपना चाहती है ताकि वह अपने दायित्वों से कन्नी काट सके, और ये 927 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग किसी के गले नहीं उतर रही। लोग माने ना माने, परंतु दिल्ली का वार्षिक बजट अधिकतम सरप्लस में रहता है। वो अलग बात है कि इसे दिखाने का साहस दिल्ली सरकार में है ही नहीं, अन्यथा फंड्स का रोना कहां से रोआ जाएगा। इसके अतिरिक्त आबकारी नीति में जो धांधलेबाजी मनीष सिसोदिया एंड कंपनी ने की है वह भी अनदेखा करने योग्य नहीं है। और अभी तो हमने कोविड के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीजन सिलेंडरों की धांधली पर प्रकाश भी नहीं डाला। तो क्या G20 के लिए 927 करोड़ लेकर केजरीवाल सरकार एक और घोटाला करना चाहती है? जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कैसे कांग्रेस की सरकार के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के दौरान एक बड़ा घोटाला किया गया। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कुछ ही वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार का नया पर्याय बनती नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार ने एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, तो ऐसे में क्या अब G20 के रूप में केजरीवाल सरकार नया घोटाला रचने की योजना बना रही है? इसका उत्तर तो अब केवल मनीष सिसोदिया के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।